वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ अल्पेश रामानी। आज आपके लिए लाया हूँ धमाकेदार वीडियो जो आपको 30 मिनट के अंदर 1500 रुपये गेन करने के लिए आपको सिखाएगा किस तरह 1500 रुपये गेन करना है। तो फर्स्ट ऑफ, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में बेल आइकॉन भी है वो बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए, जैसे कि हमारी जैसा वीडियो आपको आते रहे। और ये वीडियो आप को लाइव दिखा रहा हो, ना कि किसी मार्केट ख़त्म होने के बाद सब लोग कहते हैं कि पहले ये करो वो करो, चार्ट ऊपर जाएगा चार्ट नीचे जाएगा। वो मार्केट बंद होने से पहले तो सब लोग कहते हैं सर चलो मैं आज आपको लाइव दिखाता हूँ किस तरह कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ, आपको 10-15 स्क्रिप्ट जो आपको अच्छे लगे वो अपने डेस्कटॉप के सामने ही रखनी है ओपन करके। बाय या सेल अभी नहीं करना है, अभी भी बोल रहा हूँ बाय और सेल नहीं करना है, मैं आपको दिखाऊँगा। तो पहले आप देख लीजिए, मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी स्क्रिप्ट ओपन है। अभी मैं IDBI का एक शेयर है जो अचानक 34 रुपये से 48 रुपये तक चला गया है। तो ऐसे मूवमेंट वाला शेयर को हमको क्या कहना, सेल करना है थोड़ा। तो ये मेरे पास दूसरा भी चार्ट है, एक रैंको चार्ट, और साइड में मेरा दो अकाउंट है, तो मैं दोनों अकाउंट में साथ कंपेयर करके अलग अलग चार्ट में रेफर करता हूँ। अभी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे मेरे रैंको चार्ट के अंदर मूवमेंट डाउन आ रही है और वो IDBI शेयर मैंने सेल कर दिया है। कहाँ से सेल किया है, तो मैंने 48 के आसपास किया है जो मार्केट एकदम ऊपर चला गया था। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक ग्रीन सिग्नल कंटिन्यू आ रहा है, उसके बाद डाउन आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि शेयर एक ही साथ में काफ़ी लोगों ने पैसा डाल दिया है, तो IDBI अचानक से ऊपर आ गया। तो हम इस शेयर के अंदर ही हम सेल करेंगे, हम शॉर्ट सेल करना चाहते हैं। शॉर्ट सेल करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं लेंगे, हम आधा घंटे के अंदर 1500 रुपया 1600 1600 1800 रुपया निकाल के हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर गया है मज़र, और मेरे रैंको चार्ट है वो उसके लिए भी ऊपर चला गया है। तो फर्स्ट ऑफ, ये मेरा चार्ट है और दोनों चार्ट में आपको यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ। दोनों जो यहाँ पे MACD नीचे आ रहा है, स्टोटिस्टिक नीचे आ रहा है, RSI नीचे आ रहा है, सब लोग नीचे आ रहा है, और बायर सेलर भी कम है। तो हम इसके अंदर हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, स्कैल्पिंग जैसा है। पर इसमें क्या करना है, आपको बाय सेल पहले नहीं करना है। आप पहले पूरे दिन वॉच करो क्या है क्या नहीं, किस शेयर अचानक ऊपर जाता है तब भी उसको सेल करो, वरना ना करो, कि जल्दबाजी नहीं करनी है हमको। हमको जो सेल करना है वो परफेक्टली करना है। अभी लोग क्या कहते हैं, मार्केट ख़त्म हुआ उसके बाद सब बताएंगे ये करो या फिर शेयर नीचे जाएगा, वो कुछ नहीं होता। मार्केट डिपेंड है कहाँ से आएगा कहाँ नहीं जाएगा, ऐसा तो उसमें मत दिखे। यहाँ पे मैंने सेल किया हुआ है 1000 क्वांटिटी 49 से भाव से किया है मैंने, वो ऊपर एक परफेक्ट ऊपर चला गया तब से मैंने किया हुआ है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट 500 रुपीज़ तो प्रॉफिट आ ही गया है, 1000 क्वांटिटी मेरी सेल है। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। और अभी आपको कितना वेट करना है वो भी हमें करो, दोनों चार्ट हमको रिफर करना है। तो अभी मेरा जो इस टर्मिनल में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी मूवमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही है, 37 से 580 समथिंग आ रहा है। और अभी जो ये मैं नॉर्मल चार्ट देख रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा कि अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आएगा, तो अभी कुछ इसमें करने वाला नहीं है। तो अभी यहाँ पर देखिए 1700 टोटल क्वांटिटी बायर है और 2622 वो सेलर है, मतलब सेलर बहुत ज़्यादा है और बायर बहुत कम है। तभी मार्केट अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जा रहा है, तो अभी कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना है, पेशेंस रखना है, मार्केट नीचे आएगा ही क्योंकि ऑलरेडी सेलर ज़्यादा ही है। यहाँ पे भी मार्केट डाउन में ही है, दोनों जगह मैं दिखाई देता हूँ। IDBI है और लाइव मार्केट है, ऐसा कुछ है नहीं मार्केट स्टॉप है और मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे स्क्रिप्ट एक ही साथ ओपन है, आई थिंक 10 और 12 स्क्रिप्ट ओपन है। फिर अभी मैं एक ही स्ट्रिप में फोकस कर रहा हूँ क्योंकि एक स्क्रिप्ट मेरी अचानक ही वायलेशन हो गई है। और आप 10-12 स्क्रिप्ट एक साथ देखोगे तो ऐसा होएगा, हर दिन के अंदर आपको एक दो मोमेंट तो ऐसे आएगी किसी भी स्क्रिप्ट में जो आप इजीली स्केल कर सकते हो। अभी मेरा IDBI रैंको चार्ट में अभी डाउन जा रहा है, और मेरा नॉर्मल चार्ट है उसमें मार्केट भी अभी देखिए मार्केट डाउन जा रहा है, सेंसेक्स निफ्टी
बैंक निफ्टी देखिए, और बैंक भी डाउन आ रहा है तो उसके शेयर भी डाउन आ रहा है, तो हम साथ में इस चीज़ों को भी देखना है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या देख के हम कंपैरिजन कर सकते हैं। 37, 95, 90, 95, मतलब ओ एक ही साथ में 38.10। बट नहीं, हम अभी वेट ही करना है मार्केट। यहाँ पे सब लोग लगे मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, मैं 200 रुपया 500 रुपया लेके निकल जाऊँ। नहीं नहीं आपको नहीं निकलना है, मार्केट आएगा नीचे क्योंकि हमारे पास सेलर ज़्यादा है और बायर कम है, तो हमको ये दिक्कत नहीं करनी है। हमें वेट करना है, पेशेंस रखना है। मार्केट ऊपर जा रहा है अभी, पर 100% श्योर इसमें 1500 रुपया तो 1500, 1400, 1700 रुपया तो आसपास मिलेगा ही। 38.20 अब जा रहा है 35, 30, 25, 25, 38.30, 38.15, 38.15। और सेलर ज़्यादा है, देखिए देखिए आप 37.95, 38, 37.95। ना प्रॉफिट हुआ मेरा अभी, 450 प्रॉफिट हो गया, 500 हो गया प्रॉफिट। ये पूरा लाइव मार्केट है, मैं आपको ऑफलाइन नहीं बता रहा हूँ। सब लोग तो कैसे बताते हैं, मार्केट ख़त्म हुआ फिर बताएंगे इसको हम बाय करना है, इसको ट्रेड सेल करना है। पैसा नहीं होता है, जब मार्केट रनिंग में होता है तब आप वो स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि आगे क्या मार्केट माइनस जाएगा या प्लस जाएगा, उसको कोई नहीं बताएगा क्योंकि लाइव मार्केट के साथ कोई दिखाता ही नहीं। आज मैं पहली बार आपके लिए लाइव मार्केट का डेमो लाया हूँ। 38.30, 38.35 अभी वेट करना है। 38.30, 20 अभी मार्केट वहीं पे मूवमेंट है और हमारा जो एरो है रेड एरो वो डाउन है, तो अभी हमको वेट ही करना है। डाउन एरो, वन फाइव, ट्वेंटी फाइव, 1.5। और आपको कोई भी दिक्कत हो, लाइक चार्ट कैसे बनाते हैं और का चार्ट के अंदर वैल्यू किस तरह प्रेजेंट होगी, किस तरह कंपेरिजन करना है, कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर लिखेगा, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और हो सके तो मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव डेमोस्ट्रेशन के साथ आपको प्रेजेंट करूंगा, तो आपको इजीली पता है पसंद आएगा। और आपको वीडियो भी नहीं देखना हो और वीडियो का वेट करना हो, तो आप मुझे कमेंट में भी लिख सकते हो कि इस डेट के अंदर, इस टाइम के अंदर आप मुझे टीम व्यूअर के साथ दिखा सकते हो मेरे टर्मिनल में, तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको जिसे आपको मुझे क्वेश्चन पूछना है कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। देखिए अभी 38.10 आस पास ही आ रहा है मेरा प्रॉफिट, कितना 450 हो गया। 38, 95, 38.95 अभी कंटिन्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है। और मार्केट का सेलर ज़्यादा हो तो हमको समझ लेना चाहिए कि मार्केट के अंदर सेलर ज़्यादा आ रहे हैं और मार्केट डाउन जाएगा। और अचानक जब बायर ज़्यादा हो जाते हैं तो भी घबराना नहीं है, क्योंकि अचानक से जो बायर ज़्यादा होते हैं तो वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए होते हैं, बाद में जो होता है नॉर्मल हो ही जाता है। पर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ काफ़ी टाइम से सेलर ज़्यादा ही है, इसलिए हमको डरना नहीं है कि वो डाउन आएगा आएगा आएगा।
38 ने 37.95 95.05 मेरा प्रॉफिट 400 हो गया। नहीं नहीं डरना नहीं है, अभी आपको ऐसा लगेगा 500 मिल रहा था, अब तो मुझे 400 हो गया। नहीं नहीं ये आएगा 100%, पर मुझे मैंने तो नक्की कर लिया है 1400-1500 रुपये आए तो मैं निकल ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा लालच नहीं करना है। क्योंकि आप भी एक नक्की एक वैल्यू फिक्स रख दीजिए कि मुझे इतना प्रॉफिट आए तो मैं निकल ही जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे 1000 क्वांटिटी सेल की है तो मैं 1.5 रुपया आसपास लेके निकल ही जाऊंगा, मुझे ज़्यादा लालच नहीं करनी है। 85, 90, 550 हो गया मेरा प्रॉफिट, 600, 8, 650 प्रॉफिट। और मेरा साथ में आप प्रॉफिट के स्क्रीन भी देखते रहिए, आपको पता भी चलेगा यार कितना लाइव है अभी। सेवेंटी फाइव उस मेरा प्रॉफिट 700 हो गया, 600। अगर आपको ऐसे स्पेसिफिक कॉल भी लेना है तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए कि मैं कॉल लेना चाहता हूँ, मैं आपको ज़रूर दूंगा। और आपका कमेंट के अंदर आपका मोबाइल नंबर या ईमेल कुछ भी लिख दीजिए, या फिर आप पर्सनल कमेंट भी कर सकते हो। और नीचे में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको दे दूंगा, जो आप मुझे कभी भी कॉल्स कर सकते हो। मेरा वेबसाइट भी आपको मैं कमेंट में लिख देता हूँ, आपको भी पता चले। 600 वापस 750, 65 हो गया। देखिए देखिए नीचे जा रहा है मार्केट, 70 सेलर ज़्यादा हो गया, 750 अभी मेरा 50% प्रॉफिट है। देखिए यहाँ पे मार्केट इतनी स्टेट पर नीचे जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है, देखिए सिक्सटी फाइव मेरा प्रॉफिट, 850 1000 आप देखिए देखिए 35, 40 1100 प्रॉफिट, 35, 1100 देखिए देखिए अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, अभी 12 मिनट ही हुआ है अभी मेरे आसपास। थर्टी अगर 1150, 25, 30, 30। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में शेयर भी कीजिए किसी को, शायद किसी को पता चले, और लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे लाइव वीडियोस आपके पास आते रहेंगे और आप कुछ नया जान पाओगे और साथ ही साथ आप अर्न भी कर पाओगे। देखिए अब 30 हो गया, अभी मेरा प्रॉफिट 1150 हो गया, 1150। जब भी मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही साथ ही ऊपर जाता है तब नीचे आता है, एक ही साथ नीचे नहीं आता, थोड़ा नीचे आता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है फिर थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है थोड़ा ऊपर जाता है। ऐसे ही मार्केट यहाँ हम यहाँ पे भी करें होगा, देखिएगा 40, 35, 40 अब स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहा है, 35, 1100 रुपये हो गया अभी मेरा प्रॉफिट, 40, 1000 आसपास, 1100, 37.35, 30, ओ 40। देखिए सेलर ज़्यादा, सेलर ज़्यादा है और बायर कम है हमारे पास अभी, 25 अभी 1100 प्रॉफिट है, अभी मेरा प्रॉफिट के अंदर मैं 40% अभी लेफ्ट हूँ। मैं अभी मैं निकलना चाहूँ तो मैं निकल सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे पास 1100 रुपये प्रॉफिट है और 14-15 मिनट आसपास ये हुए हैं,
1200 देखे देखे अभी भी नहीं, मैं निकल नहीं रहा हूँ अभी। अगर आपको चाह आपको लगे ऐसा कि मैं निकलना चाहता हूँ तो आप निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने नक्की किया है मेरा 1500 आस पास प्रॉफिट लेके मैं निकलूँगा। अगर हाँ, वरना ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा भी मुझे मिले, पर मुझे 1500 आस पास ही लेना है। 1700 भी नहीं लेना है और 1600 भी नहीं लेना है। 35 30 मार्केट स्टेट फॉर स्टेट जा रहा है, अप डाउन अप डाउन। थर्टी फाइव 30 अभी कितना प्रॉफिट है मेरा? 1150। मार्केट भी अभी डाउन ही जा रहा है। मेरा बैंक निफ्टी देखिए, स्टैंड चेक्स देखिए, निफ्टी 50 देखिए। 25 30.35 25 1200 प्रॉफिट। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी ये लाइव स्ट्रेटजी आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑफलाइन नहीं है। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे ऐसे ही नहीं ऐसे वीडियो आपके पास फर्स्ट ऑफ आप देख सके, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड हमारा चार्ट, या फिर किस तरह हमारे चार्ट के अंदर वैल्यू प्रेजेंट करके किस कितने दिनों का रखना, चार्ट रखना है, कितना कैंडल रखना है, क्या रखना है, और जो भी क्वेश्चन हो आपके अंदर, तो हमारा कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। और हो सके तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी अभी हमारा शेयर ऊपर जा रहा है थोड़ा सा, 950 हो गया प्रॉफिट हमारा, 37.45। थर्टी सेवन थर्टी फिफ्टी फिफ्टी फाइव 50 अभी हमारा ग्रीन ग्रीन कैंडल पर आ रहा है अभी यहाँ पे। और वो हमारा नॉर्मल चार्ट है जो कैंडल चार्ट, उसमें भी मार्केट अप जा रहा है। 70 हो गया, वो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? 800 750 है। ओ 600 फिर से हमारा 50% प्रॉफिट आ गया। 80 अब काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 1100 1200 रुपया मिल रहा था और तब निकल गए हो तो अच्छा रहता। नहीं, निकलना चाहते हो तो अब निकल सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट आने ही वाला आना ही है और आने वाला ही है। और आ गया उसको आप बुक करके भी निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे पता ही है बायर सेलर का जो रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरह देखना है, कंपेरिजन करना है, इधर उधर कहीं भी देखना नहीं है। 37.85 ओ मेरा प्रॉफिट ऑफ 450 हो गया। 38.10 37.95 मेरा 450 38 38.5 10 400 प्रॉफिट 350। ओ काफ़ी लोग तो सोच रहे हो कि यार इसको 1200 मिल रहा था वो निकला नहीं, अभी 30.50 है, शायद आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको दिखा रहा हूँ। आपको पेशेंस रखना है, आपको उस माइनस हो या प्लस हो, आपको ऐसा नहीं रखना यार गए 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 अभी आएगा नहीं, या आएगा नीचे नीचे आएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। आपको उसका जो मोमेंटम है वो देखना है, मार्केट जा रहा है। तो अब देखिए, कोई आदमी है हर रोज आपके शहर से निकल रहा है गली से, तो उसके आप चाल देखिए किस तरह चलता है, तो आपको दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, ऐसे ऐसे आप एक महीने तक का उसका ऐसे ही उसको देखते रहिए, फिर उसको आपको पता ही चल जाएगा ये यहाँ से ऐसे ही जाएगा और यहाँ से ऐसे ही जाएगा, क्योंकि आपको उसके मोमेंटम पता चल गई है कब ऐसे ही करने वाला है। उसी लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप 10 या 12 स्क्रिप्ट ऐसे चुन लीजिए जो मूवमेंट कर रहा हो, और पहले उसको आप विजिट ही करते रहिए, कुछ सेल कर मत करिए, बाय मत करिए, अब सब आपको उसको देखना ही है, कुछ करना नहीं है, क्योंकि एक बार आप उसकी पता चल गई वो किस तरह चलता है, किस तरह किस टाइम के अंदर मूवमेंट होती है, किस टाइम के अंदर मूवमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, किस टाइम के मूवमेंट के अंदर डाउन होता है, किस टाइम के मूवमेंट के अंदर अप होता है, एक बार आपको पता चल गया
उसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 10 या 12 स्क्रिप्ट अपने सामने ओपन करके रखिए चार्ट, और वो 12 12 स्क्रिप्ट ही आपको देखना है, दूसरी कोई स्क्रिप्ट नहीं देखना। जैसे भी दूसरी स्क्रिप्ट में ऐसा प्रॉफिट आएगा नहीं देखना है आपको। आपको सिर्फ जो आप अच्छी लगे वो 12 10 12 स्क्रिप्ट चुन लीजिए, उसके अंदर ही आपको देखना है। ओके, इधर उधर जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, कभी इधर स्क्रिप्ट में वो, कभी इस पकड़ी कुछ दूसरी पकड़ी, इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो थोड़ा बहुत मिलेगा, एक में मिलेगा एक में जाएगा। एवरेज एंड ऑन एन एवरेज आपको जो 1% हाफ एंड होता है परसेंटेज में आपको मिलेगा। आपको लगा ओ यार इतना प्रॉफिट मिला और एन ऑन एन एवरेज मुझे इतना ही मिला, तो वो आपको नहीं करना है। देखिए अब फिर से नीचे रहा है, मैंने अभी आपको बोला ही था जब से मार्केट ट्रेड थोड़े के साथ ऊपर होता है तो नीचे आएगा, तो थोड़ा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। अभी ऐसा ही रहा, मेरा 35 450, देखिए अभी मेरा 1950 हो गया, प्रॉफिट 1000 हो गया। देखिए देखिए जल्दी, अभी मेरा 950 100, अभी मेरा 1500 500 600 रुपये ही अभी बाकी है मेरा प्रॉफिट होने में, बाद में मैं निकल ही जाऊंगा, वेट ही नहीं करना है मुझे। क्योंकि 1200 हो गया, अभी आप काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे हो यार इसको 350 हो गया, ऐसे 1200 में निकल गया हो तो अच्छा आ गया, नहीं देखिए अब आ गया है प्रॉफिट। अगर आपको ये स्ट्रेटजी आपको करनी भी है, तो अगर आपको पता नहीं चला कैसे करूँ क्यों करूँ, तो आप मुझे कमेंट में भी लिख दीजिए। अगर आप, मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाना चाहता हूँ तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे पता नहीं चला, मुझे प्रैक्टिकल दिखाएंगे मेरे सामने मेरे पीसी के अंदर तो मुझे ज़्यादा पता चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे अपना टाइम डे और टीम व्यूअर का आईडी शेयर कर दीजिए, एनी डेस्क का आईडी शेयर कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। वो देखिए 1050 प्रॉफिट मेरा हो गया है, 50 45 मेरे अभी यहाँ पे काफ़ी स्क्रिप्ट ओपन है, AMDC सेल प्राजीन IDBI बहुत सारी मेरे स्क्रिप्ट एक ही साथ में ओपन की हुई है। पर अभी एक स्क्रिप्ट कोई इसमें से मेरी एक ही स्क्रिप्ट ज़्यादा मोमेंट आ गई तो उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ, बाकी सब भी नॉर्मली चलने दो, इसमें फोकस नहीं करना है मुझे। 45 50 950 प्रॉफिट है मेरा, 45 50 45 अभी मार्केट स्टेट आ रहा है। फोर्टी फोर्टी फाइव 37.40 37.50 मैं देखिए मार्केट स्टेट ही आ रहा है, अप डाउन हो रहा है। तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर दिखेगा, वरना अभी इसमें जो हो रहा है वो आप मिस कर पाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा किस तरह मैं अभी कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी, और किस तरह वेट एंड करना है वॉच करना है। 45 50 37.50 60 आ रहा है अभी, मार्केट स्ट्रेट आ रहा है अभी। सिक्सटी फाइव 70 अभी हमारे पास सेलर ज़्यादा है बायर कम है, तो अभी भी हमको वॉच वेट ही करना है, हमारा प्रॉफिट तक आ नहीं जाता तब तक। देखिए अभी भी मेरा रेंको चार्ट के अंदर ग्रीन कैंडल आ रही है, पर अभी देखिए मेरी ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन के नीचे है, तो अभी मुझे वेट करना है, अभी मुझे सेल का यहाँ पे निकल नहीं जाना है स्क्रिप्ट के अंदर। अभी मेरा प्रॉफिट 750 हो गया है, 65 अभी भी मार्केट स्टेट है, कुछ मोमेंट नहीं आ रही है। 70
25 मैंने आपको बोला ही था, वो धीरे धीरे नीचे आएगा, एक ही साथ में तो ऊपर चला ही गया है मार्केट अप के साथ। थर्टी सेवन अपने पास 10 या 12 स्क्रिप्ट लेते हो तो हर एक दिन के अंदर ऐसे मूवमेंट आपको देखने को मिल ही जाते हैं जिसके अंदर आप मिनिमम 1000 या 1500 रुपये निकाल ही सकते हो। तो आपका ऑन एन एवरेज मंथली आपको 25,000 या 30 हो ही जाता है। तो आपको डरना नहीं है, इजीली आप जो भी 500 5,000 10,000 आपको जो मिल रहा हो मंथ के अंदर, जो ऐसे आप करोगे तो 100% श्योर में आपको 25,000 आपको मिल ही जाएगा। और आप शाम को भी हो फ्री हो जाओगे और सुबह से फ्री हो जाओगे। ऐसे ना काम 9 to 3 तक ही करना है। और अगर आपको अकाउंट किस तरह ओपन करना है वो पता नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा अपने जीरोधा का लिंक भी शेयर कर दूंगा, उसके अंदर से आप रजिस्टर करोगे तो आपको 300 पॉइंट बोनस मिलेगा, जिसके थ्रू आप प्रीमियम सर्विस भी फ्री ले सकते हो। अगर आप डायरेक्टली ओपन करोगे तो वो 300 पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अब भी जब भी आप लॉगिन करना हो या फिर रजिस्टर करना हो तो मेरी लिंक्स थ्रू ही करिए, तो आपको 300 पॉइंट मिलेगा आपको, तो वो आपको बेनिफिट होगा। अगर किस तरह लॉगिन करना है जीरोधा का वो आपको पता नहीं है तो वो भी वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। वो भी मैंने बनाया है किस तरह डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, किस तरह डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहाँ पे साइन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना रुपीस होता है, वो पूरा डिटेल के साथ मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। देखिए अभी प्रॉफिट कितना है, 800 हो गया है। और हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको पता नहीं चल रहा है किस तरह करना है क्या करना है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर से आंसर दूंगा। अभी मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आ रहा है। सिक्सटी फाइव जी भाई, अब डाउन हो रहा है। मेरा प्रॉफिट 100 है, मार्केट स्टेप फोड़ आ रहा है। सिक्सटी फाइव 35 भी मेरा प्रॉफिट आसपास ही है। अब मैं अभी मेरी स्क्रिप्ट के अंदर मैं सेल करने के लिए तैयार होता हूँ, क्योंकि अभी प्रॉफिट आने ही वाला है मेरा नज़दीक, क्योंकि अब मार्केट भी डाउन हो रहा है। जानवर 65 अभी भी आपको मैं कर रहा होगा, आपको कुछ पता नहीं चला हो या फिर आपको प्रैक्टिकल देखना हो हमें कमेंट में लिख दीजिए, और आपका एनी डेज और टाइम वो सब शेयर कीजिए, मैं आपको उस टाइम के अंदर आपका पीसी कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा अभी प्रॉफिट आ ही रहा है तो मैं अभी आपको मैं सेल कर दूंगा। 65 में हो गया मेरा, 35 आसपास अभी मेरा सेल कर दिया है। देखिए 36.92 में कर दिया है, और मेरा प्रॉफिट कितना है, 15.30.85। अभी मेरा टर्मिनल बंद हो गया था उसीलिए मैं आपको सेल कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। देखिए पर मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, अभी मार्केट जो डाउन ही जा रहा है पर मैं इतना इतना प्रॉफिट ले लिया है जो मैंने
मन में नक्की किया हुआ था कि इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए ही, अभी भी नीचे जा रहा है, पर अभी मुझे प्रॉफिट नहीं लेना है, बस मुझे इतना ही लेना है, मुझे ज़्यादा नहीं लेना है। देखिए मेरा प्रॉफिट 1500 रुपये आसपास हो गया है। हमें चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कीजिए।